very feared, and suddenly he was caged on that time because already child was completely, he was lifeless, and the child's mother, she was already unconscious on that time. That's why he was very feared. होता ये है कि child जन्म लेता है, क्या होता है, lifeless होता है, मतलब मरा हुआ, अब समझो कि उसकी body में कोई जान ही ना, एटलीस्ट अब उनकी जो मदर्स होती है वो भी क्या होती है उस समय अनकॉन्सियसनेस होता है. फाइनली व्हेन ही इज वेरी वॉरी बिकॉज ऑफ ऑलरेडी ही हैज द प्रॉमिस विद हिज फैमिली डेफिनेटली ही टोल्ड टू द ओल्ड लेडी शी विल बी ऑल राइट एंड डेफिनेटली एज अ न्यू बेबी विल बी ऑल राइट बट नाउ बोथ हैव कंप्लीटली डिफरेंट सिचुएशंस इन फ्रंट ऑफ हिम दैट्स व्हाई ही वाज वेरी फियर्ड ऑन दैट टाइम. अब होता क्या है कि वो जो पहले से प्रॉमिस कर लिया था कि उनका जो बेबी होगा वो भी क्या होगा अच्छा रहेगा प्लस उनकी फैमिली को कोई इश्यूज नहीं आएंगे, बट होता यह है कि जितना वो जो प्रॉमिस किया था जस्ट उसके अपोजिट होने लगता है, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा वॉरी होता है. सडनली ही वॉज थिंकिंग व्हाट ही विल बी डू नेक्स्ट. अब वो सोचता है कि यार आगे मुझे करना क्या है, क्योंकि पहले उनके सामने दो सिचुएशंस होते हैं कि एक तो बेबी हुआ है, फिर उनकी मदर का जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, एटलीस्ट अगर वो ठीक नहीं होती तो क्या फील करेंगे, बिकॉज अब तक 20 ईयर्स इट्स फर्स्ट बेबी, कि 20 ईयर्स के बाद उनको पहले बेबी हुआ था. अब ये होता है कि सोचने लगता है, फाइनली वो ये डिसाइड करता है कि बेबी को क्या करता है, जस्ट बीनीथ ऑफ बेड, बेड के नीचे वो एक पेपर्स के पास रख देता है. फाइनली अब वो करने लगता है कि वो सबसे पहले उनकी मदर्स का केयर करेंगे. होता है कि वो सिचुएशंस को देखता है तो सबसे पहले वो सिरिंज उठाता है, फिर वो इंजेक्शंस देने लगता है ताकि वो उनको होश में ला सके. जैसे वो सिरिंज करता है, इंजेक्शंस देता है, अब कुछ देर बाद वो कंटिन्यू ही वॉज वर्किंग फॉर सुजैन मॉर्गन. अब सुजैन मॉर्गन के लिए वो लगातार वर्क करता रहता है. फाइनली अब वर्क करने के बाद सुजैन मॉर्गन को जब नॉर्मल सिचुएशंस पे आने लगती है तब उनको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस होता है कि चलो एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हुआ. अब वो डायरेक्टली एक हिज कॉल्स टू द नर्स, अब नर्स को कॉल करता है वेयर इज द चाइल्ड, कि बच्चा कहाँ है, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल ही टोल्ड टू द गर्ल, वो पहले से उस नर्स को बोल दिया जाता है कि वो अभी किसका केयर कर रहा है, उस लेडी का. तो फाइनली वो पूछने लगते हैं वेयर इज चाइल्ड, बच्चा कहाँ है करके, तो वो देखते हैं तो फाइन करने लगते हैं बच्चा मिलता नहीं है. अचानक से करते हैं तो फिर जब उठाते हैं तो देखता है कि उनकी बॉडी में एज द बोनलेस लेग्स एंड फीट्स लेग्स हैंड्स दे हैव जस्ट लाइक एज द बोनलेस, ऐसा लगता है कि उस बेबी के में ना तो लेग्स में ना तो फिर हैंड्स में बोन्स ही ना हो, ऐसा लगता है कि उनका जो कार्ड था जिसको बोलते हैं नड़ी, जस्ट लाइक एज द स्टेम पहले स्टेम दे वॉज द स्टेम अब मूविंग कर रहा था, जैसे क्या होता है उनकी जो नड़ी थी वो नाभि का वो मानो कि एक स्टेम से जो टूट जा रहा था उस तरीके से हिल रहा था, प्लस उनका जो नेक्स था मानो कि वो क्या होता है जैसे कि एक डेड बॉडी होता है उस तरीके से वो क्या हो गया था बहुत ज़्यादा लूज हो चुका था. यार वो तो कॉमन सी बात है क्योंकि अभी वो उसमें उस बेबी में क्या था एज अ लाइफलेस, अब पूरी बॉडी वाइट हो चुकी थी. अब बहुत ज़्यादा वो सरप्राइज होता है, सडनली ही वॉज द रिमेंबर अबाउट वन इंसिडेंट, अचानक से उसको एक इंसिडेंट याद आता है एज द सेम वैसा, तो उस पर क्या करता है फर्स्ट ऑफ ऑल ही वॉज ट्राइंग टेक एज द एयर इन हिज माउथ, माउथ पे वो हवा देने की कोशिश करता है ताकि उसको सांस आ जाए, ब्रीथ्स आ जाए, बट ऐसा कुछ नहीं होता. फाइनली अब सोचने लगता है कि यार इसको उसी जैसे क्या है जैसे एक बार इंसिडेंट हो चुका है पैनिक का, तो वैसे उनको किया जा सके ताकि ये क्या हो जाए सिचुएशंस दोबारा ठीक हो सके. अब लगातार वो क्या करने लगता है कि हाँ उसको लिए तुरंत उसको बोला जाता है कि टू जो गम्स होता है जो इसमें हम वाटर्स रखते हैं या फिर पाइप बो सकते हैं, तो उसमें क्या करते हैं कि आप टू गम्स लाओ ताकि हम एक में कोल्ड वाटर एक में हॉट वाटर, अब दोनों के लिए बोलते जाते हैं कि कोल्ड वाटर एंड हॉट वाटर दोनों का अलग अलग एक कैटल्स में लेकर आओ. अब वो क्या करने लगता है जैसे कैटल्स आता है तो उस बेबी को पकड़ता है. अब यार यहाँ पे ये मत सोचना ना कि वो कितना क्रूल है, अब वो क्रूल वाली बात नहीं है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी उसको उस बच्चे को शेव करना है, दैट्स व्हाई
he is not thinking about the situation and he was not thinking about the child. अभी वो child के बारे में नहीं सोच रहा है. सबसे पहले वो सोच रहा है कि बच्चे को alive कैसे किया जाए. तो वो क्या करता है, एक बार उसको गर्म पानी में डुबाता है, एक बार cold water में, फिर एक बार warm water में, cold water में, इस तरीके से क्या करता है वो continue. He was doing a same work. लगातार same work करता ही जाता है. Finally वो इतना ज़्यादा इस तरीके से works करते जाता है कि अब वो तो सोचने लगते हैं कि पागल किधर कैसे efforts कर रहा है. जो लेडी होती है वो भी देखती है कि इसको हो क्या क्या, ऐसे इस बच्ची को कैसे एक बार क्या करते हैं वॉर्म्स, एक बार कोल्ड वाटर से करते, फिर उसको देखा जाता है, फिर टॉवल से उसको क्या किया जाता है, कवर करते, उसको रफ करते बॉडी को, फिर वैसे करते. अब धीरे धीरे बेबी का जो चेस्ट होता है वो बहुत छोटा, जैसा है ऐसा पिग्मी चेस्ट, मानो एक क्या है एनिमल्स का चेस्ट होता है, वैसे छोटा सा बच्चा था. उस पर पिग्मी चेस्ट में वो थोड़ा जो ब्रीथ होता है वो आने लगता है. फाइनली जो डॉक्टर्स होता है वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है कि यार उसकी जो है मेहनत थी, उसने जितना वर्क्स किया था, फाइनली वो सक्सेस हुआ. नाउ जो अब चाइल्ड होता है वो अलाइव रहता है और वहाँ पे जो लेडी होती है वो लेडी भी, अब जो ओल्ड लेडी थी वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है. अब सुजैन मॉर्गन की वो लेडी कौन थी, मदर थी. तो जो लेडी थी वो अपने बच्चे को देख बहुत ज़्यादा खुश होती है. एटलीस्ट वो लगातार क्या करती रहती है, अपनी आई को क्लोज किए हुए, अपने हैंड को फोल्ड किए हुए लगातार वो क्या करती रहती है, प्रेयर करती रहती है फॉर हर डॉटर्स एंड हर चाइल्ड, अपने जो ग्रैंडसन है उनके लिए और वो अपने क्या थे डॉटर्स के लिए लगातार प्रे करती रहती थी, सब कुछ अच्छा हो जाए. फाइनली वो सब कुछ अच्छा भी हो जाता है. अब वो दोनों अलाइव होते हैं. दोनों अलाइव होने के कारण अब वो बताने लगता है डॉक्टर्स की ना अब सब कुछ ठीक है. अब वो क्या करता है, वो रेडी हो जाता है घर जाने के लिए और बताता है कि उसको इसको सुजैन मॉर्गन के हस्बैंड के और राइट करके. और जब उनकी ग्रैंड मदर्स थी, उनकी जो मदर्स थी कितनी सुजैन मॉर्गन की, वो भी बताने लगती कि अब मदर आप चिंता मत कीजिए, अब सब कुछ सही हो गया है, फाइनली अब दोनों बिल्कुल सही है. इस तरीके से जो उनका फर्स्ट एक्सपीरियंस था लाइफ का इसका डॉक्टर एंड्रयू का, सो ही वॉज द सक्सेसफुल एंड ही वॉज द फाइट द सिचुएशन बिकॉज ही हैव नो एक्सपीरियंस बिफोर इन हिज लाइफ. इससे पहले उनके लाइफ में ऐसा कोई एक्सपीरियंस उनको था नहीं. ये उनके लिए फर्स्ट टाइम था जो वो क्या करते हैं अपने लाइफ में इस तरीके से कोई वर्क करता है. एटलीस्ट वो भी उनके सामने एक ऐसा सिचुएशन आ जाता है, इट्स वेरी क्रिटिकल सिचुएशन बट ही हैव हैंडल वेरी गुड, बहुत अच्छे से उस सिचुएशन को वो हैंडल करता है. और वो होता क्या है, अब वो दोनों बच्चे और जो उनकी मदर थी वो खतरे से बाहर हो जाती है. और इस तरीके से वो क्या करता है, अपने बैग्स को पकड़ता है और वो वहाँ से चला जाता है. जाते जाते वो उन चीज़ों को सोचने लगता है कि कैसे उसने अपने आप को इन्वॉल्व किया, कैसे उसने अपने आप को सक्सेस के लिए इम्प्रूव किया. इस तरीके से क्या होता है, वो उन चीज़ों को लगातार याद करते जाता है. इस तरीके से जो हमारा ये चैप्टर है द बर्थ हैव फिनिश्ड, यहीं से हमारा जो चैप्टर बर्थ है वो खत्म होता है. आई होप यू लाइक इट. थैंक यू.